हेलो बच्चों, जितने भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में करे जाते हैं वो कुछ ना कुछ और मोटिव लेके करे जाते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसे ही कुछ यहां पर भी कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें छेद कर लिया, उसमें तार घुसा दी, ठीक है ना, उस तार में करंट चालू कर दिया, तो वो अपने आसपास ऐसे फील्ड बना रही है। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उसी दिशा में फोर्स भी लग जाती है। बियर ग्रिल्स को देखा होगा आपने, वो भी ऐसी सब चीजें लेकर के चलता है अपने साथ, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है ना, यहां मैन ही वाइल्ड है। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का पढ़ चुके हैं और उसके 6 लेक्चर्स के बाद हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट अवेटेड चैप्टर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, के करंट के 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट्स आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके अंदर आज जो लेक्चर है आपका वो है मैग्नेटिक लाइन्स के ऊपर। इसके 2 नाम है, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। किसी बुक के अंदर MFL लिखा रहता है, किसी के अंदर MLF लिखा रहता है, यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा मर्जी कह सकते हो इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट्स को कवर करेंगे हम, क्योंकि कोई एक इंसान जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक कन्वर्जिंग पॉइंट पर देखा था सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों के बीच में, तो वो ऑयस्टेड थे। तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद सेकंड आता है बेटा ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद भी, न्यूमरस अदर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनके नाम नहीं आते, साइंटिस्ट के भी नाम नहीं आते, लेकिन वो क्या एक्सपेरिमेंट थे वो आपको एक बार देखना है बस, ठीक है। तीसरा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ढूंढी गई, कैसे ऑब्जर्व करी गई और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला टॉपिक जो है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बच्चे को समझ में नहीं आता है आसानी से, तो इसको डिस्कस करेंगे हम कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऊपर हम बता चुके होंगे। इसके बाद बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज देखो। ये जो 5th वाला पॉइंट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम देखेंगे जरूर, 2-4 मिनट इसके ऊपर हम रुकेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, और फिर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इंसान का नाम है भाई हांस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिजली और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबक, यानी इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और मैग्नेटिज्म, इसको कंबाइन करने के लिए कोई सबसे पहले अगर आया इस दुनिया के अंदर तो वो हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड के नाम से एक इंसान थे, ठीक है। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, देखो ये खासियत है कि चीजें एक्सीडेंटली डिस्कवर होती हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में करे जाते हैं वो कुछ ना कुछ और मोटिव लेके करे जाते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसे ही कुछ यहां पर भी था, ऐसे ही कुछ यहां पर भी था, करेंगे बात। दैट अ कंपास नीडल got deflected when electric current passed through a metallic wire placed nearby। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम देखिए। ओपन स्विच का मतलब है करंट नहीं चल रहा, एक बैटरी लगाई लेकिन करंट नहीं चल रहा, ओपन कर रखा है सर्किट को, तो ये सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन का मतलब करंट नहीं है। अब करंट नहीं है तो ऐसे में वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया। यह मैग्नेटिक कंपास जो होता है इसके अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट पहले से होता है। यहां करंट द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म की बात अभी नहीं कर रहा मैं, अभी मैं सिर्फ उस मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं जो बार मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, वो रखा गया कंपास के अंदर, ठीक, और स्विच ओपन कर रखा है। तो उसकी नीडल देखो सीधी नॉर्थ पर है, मतलब जहां वो होनी चाहिए वहीं पर ही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई उसके अंदर। लेकिन ये कह रहा है ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटालिक वायर। अब हुआ क्या सुनो, जैसे ही इस ओपन स्विच को क्लोज कर दिया गया, ये देखो ये क्लोज स्विच आ गया तो करंट चलना चालू हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट चलने लगा,
और करंट चलने लगा तो पता क्या देखने में आया, देखने में यह आया कि जो कंपास नीडल सीधी थी ना वो ऐसे हो गई, वो टिल्ट हो गई। ये देखो ऐसे की ऐसे हो गई, ये सीधी थी और ये टिल्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये देख करके हैरान रह गया ऑयस्टेड कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो सर्किट चला रहा हूं, मैं तो सीधा साधा सर्किट चला रहा हूं, उसके ऊपर कंपास रखा था और जैसी कनेक्टिविटी करी, जैसे ही वायर कनेक्ट करी, वैसे ही करंट चलना चालू हुआ, और जैसे ही करंट चलना चालू हुआ इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। अरे करंट चलने से मैग्नेटिज्म क्यों अफेक्ट हो रहा है? यहां पर उसका माथा ठनका, यहां पर उसके दिमाग में विचार आया कि जरूर जरूर करंट में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी इंफ्लुएंस में, जिसके कारण से, जिसकी वजह से कंपास को असर पड़ा, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हैरान करने वाली बात थी उस टाइम के लिए कि भाई चलो बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट को रिपेल करता है, बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ना, बार मैग्नेट तो लोहे को भी खींचता है, बार मैग्नेट तो अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को भी खींचता है, लेकिन बार मैग्नेट कंपास के अंदर जो बार मैग्नेट है उसका करंट चलने से क्या लेना देना? करंट चलने की वजह से वो क्यों हिल रहा है? ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने एक बात कंक्लूड करी, एक निचोड़ तक पहुंचे ये, और वो निचोड़ ये था कि जरूर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। ये देखिए एक एनिमेशन दिखा रखा है यहां पर, देखो जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी थी, दूर रखी थी, तो नीडल सीधी थी, और जैसे ही उसने यहां पर एक सेल कनेक्ट किया तो देखो आप डिफ्लेक्शन आ रही है। देखो आराम से देखो इसको, ये देखो कनेक्ट करते डिफ्लेक्शन आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा रूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। देखो जी, जैसा ऑयस्टेड ने कंक्लूड किया था, एज ऑयस्टेड कंक्लूडेड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में जरूर ही कोई ना कोई रिश्ता है, जरूर ही कोई ना कोई रिश्ता है। करंट के चलने से जरूर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जरूर मैग्नेटिज्म को अफेक्ट होता है। तो इस तरह की बातें ऑयस्टेड ने पहले ही कंक्लूड कर दी थी। आगे के और एक्सपेरिमेंट्स ने इन बातों को और आगे बढ़ाया। एक एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा किया गया, ये तो आप समझते हो ना, एक बार मैग्नेट, ये एनसीईआरटी की इमेज है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और इस बार मैग्नेट के आसपास आयरन फाइलिंग्स डाल दी गई है। फिलिंग नहीं होता बेटा, फिलिंग का मतलब होता है भरना, फिल करना, वो फिलिंग नहीं है, ये फाइलिंग है। फाइलिंग का मतलब होता है चूरा, बुरादा, लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसको फाइलिंग बोलते हैं, वुड फाइलिंग्स। ऐसे ही ये आयरन फाइलिंग्स हैं, लोहे का चूरा है ये, ठीक है, इसको फाइलिंग बोला जाता है, फिलिंग नहीं बोला जाता, गलत बोलते हैं जो लोग फिलिंग बोलते हैं, ठीक है, फाइलिंग बोला करो इसको। तो आयरन फाइलिंग्स हैं, तो आयरन फाइलिंग डाली गई और उसके बाद टैप करना स्टार्ट कर दिया, ठक 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 ऐसे टैप करना स्टार्ट कर दिया। और कार्डबोर्ड को जब टैप किया ना, तो देखने में क्या आया कि ये इस तरीके से अरेंज हो गई है, ये आयरन फाइलिंग्स इस तरीके से अरेंज हो गई है, जैसा ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इस तरह के लूप्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, पोल पर ज्यादा इकट्ठी हो गई है, यहां पर थोड़ी सी फैल गई है, थोड़ा सा ऐसे करके कुछ कन्वर्जेंस हो रहा है इसके अंदर, यहां से कुछ बाहर निकल रही है, यहां से कुछ अंदर जा रही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने में आई डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों द्वारा। एक एक्सपेरिमेंट और ऐसा किया गया, उसकी एक सिर्फ ये स्केमेटिक इमेज है, ठीक है, कि एक बार मैग्नेट लिया गया नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला। आपको पता है छठी क्लास से पढ़ रखा है आपने कि बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ होता है, ठीक है, कन्वेंशन है, तो एक को नॉर्थ माना, एक को साउथ माना, कुछ भी मान लो, उल्टे है, मतलब दो पोल्स है ना। तो एक इस तरह का बार मैग्नेट लिया गया है, उस पर कंपास को, वही वाला मैग्नेटिक कंपास, उसको रख रख के देख रहे हैं, नीचे भी रख रख के देख रहे हैं। तो देखने में क्या आ रहा है पता है? देखने में ये आ रहा है कि उसकी सुई ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो आपको दिख रहा है यहां पर किस तरीके से सुई जा रही है, मतलब यहां से जरूर कुछ रिपल्शन हो रहा है और वहां जरूर कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, इधर से जरूर कुछ रिपल्शन है, उधर से जरूर कुछ अट्रैक्शन है, यहां से नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, वहां साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा है। तो ये जो कंपास मुड़ रही थी ना, ये जो कंपास की सुई घूम रही थी ना, ये कंपास की सुई घूमती 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 एक लूप बना रही थी, एक लूप में घूम रही थी, एक ऐसी ट्रैजेक्टरी थी, एक ऐसा पाथ था जो कि लूप के फॉर्म में था,
जो कि लूप के फॉर्म में था, ठीक है ना। ऐसी सब जगह पर रख रख के देखा, यहां भी देखा, नीचे भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, तो ऐसा देखा गया यार कुछ ना कुछ लूप के फॉर्म में बन रहा है, जैसा जैसा यहां देखने में आ रहा था, जैसा इधर देखने में आ रहा था, वैसे ही कुछ यहां भी देखने में आया। तो चीजें और कंफर्म होती चली गई, चीजों में और ज्यादा डेप्थ आती चली गई कि यार कुछ ना कुछ जरूर है जो कि लूप के फॉर्म में है, लाइंस के फॉर्म में है, क्योंकि एक लाइन में चलती हुई आपको कंपास दिख रही है, देखो एक पाथ पर चलती दिख रही है, ये कोई एरिया नहीं है, ये बल्ब की रोशनी नहीं है जो सब दिशाओं में फैली है, ये टुकड़ों टुकड़ों में फैली है। मतलब यहां एक लाइन है तो इधर कुछ नहीं है, फिर एक लाइन और है फिर इधर कुछ नहीं है, फिर एक लाइन और है फिर इधर कुछ नहीं है, यानी बीच बीच में इधर 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 इधर। पेन से दिखाता हूं आपको, माने इस जगह पर कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है, मैग्नेट का कोई असर नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है, इन पॉइंट्स पर है। तो ये कंपास रख रख के देखा गया, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है कि भाई रख रख के देखा गया और ऑब्जर्व किया गया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और आगे डेप्थ में चलते हैं कि और क्या चीजें थी। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक थ्योरी दी गई, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट अ करंट कैरिंग वायर ऑल्सो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो जी, अब तक जो बार मैग्नेट कर रहा था वो तो आपको बचपन से पता है कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ही है, बार मैग्नेट की तो ये प्रॉपर्टी है ही है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, है ना। बार मैग्नेट से तो बचपन से खेल रहे हो आप, रैटल स्नेक मैग्नेट्स होंगे बचपन से आप उससे खेल रहे हो, और नियोडाइनम मैग्नेट्स होते हैं बचपन से उससे बच्चे लोग खेलते हैं, है ना, कार्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट जो चिपकू से होते हैं उन सबके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, है ना। तो बचपन से मैग्नेट से तो आप खेल ही रहे हो, मैग्नेट के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन इस क्लास में आकर के नया क्या सीख रहे हो, इस क्लास में आकर के जो आप नया सीख रहे हो वो है कि भाई एक तार जिसमें के करंट चल रहा है, एक तार जिसमें के करंट चल रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, एक बार मैग्नेट की तरह से एक्ट करने लगती है, एक करंट कैरिंग तार, यानी वही इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वही इलेक्ट्रिक करंट जो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, उसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी कोई लोहा, जो भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आएगा उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगी ही लगेगी। तो उस चीज को लेकर के बात कही गई है कि हेयर वी कैन ऑब्जर्व, अभी देखते हैं, दैट अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, एक तार जिसमें करंट चल रहा है ऑल्सो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, वो है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से आयरन फाइलिंग्स, यहां स्पेलिंग गलत है, एफ आई एल आई एन जी एस है, डबल एल नहीं है, आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में आकर के ये फाइलिंग्स अरेंज हो जाएंगी, ये लोहे का चूरा अरेंज हो जाएगा। देखो जरा, देखना बेटा, ये देखो अभी कोई करंट नहीं है, ये करंट आ गया, देख रहे हो, अभी कोई करंट नहीं है, ये करंट आ गया, सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड बननी स्टार्ट हो गई है, एक खिंचाव आ गया इसके अंदर, आयरन फाइलिंग्स का चूरा पड़ा है ये आसपास आयरन फाइलिंग्स का चूरा पड़ा है और ये तार को लपेटा हुआ है, कॉपर की तार है, देखो कलर में कॉपर वाला है, कॉपर की तार है ये, इसमें करंट जैसे ही चालू किया ये देखो किस तरीके से इसने पकड़ बना ली इनके ऊपर, देखिए जी आई एफ है, ठीक है ना। ऐसे ही एक स्ट्रेट वायर क्या असर डाल रही है, देखो ये एक सीधी तार है, ऐसे कार्डबोर्ड ले रखा है, एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें छेद कर लिया, उसमें तार घुसा दी, ठीक है ना, उस तार में करंट चालू कर दिया, तो वो अपने आसपास ऐसे फील्ड बना रही है, और उसकी वजह से, उस फील्ड की वजह से देखो आयरन फाइलिंग्स कैसे अरेंज हो गई, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर अरेंज हो गई, इन एन ऑर्डरली मैनर, देखो लिखा हुआ ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डर में अरेंज हो गई है,
ठीक है ना, एक 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 परफेक्ट उसने शेप ले ली है। कैसी शेप ले ली है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सर्कुलर शेप है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इसको, एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में। आने वाले चैप्टर्स, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह की फील्ड बनती है, कैसी फील्ड बनती है, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो आपको मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूं चीजों की, ये झलक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है अभी तो ये, है ना। तो कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही करंट चालू किया तनाव आ गया। इसमें करंट चल रहा होगा, ये एनिमेशन नहीं है, स्टिल इमेज है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो पहले से ही एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से जो आयरन फाइलिंग्स है वो अरेंज्ड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो जी अब जब मैग्नेटिक फील्ड की इतनी सारी बातें हो ही चुकी है तो आपको डिफाइन कर देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है। देखो जरा, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया, एरिया जगह है, स्पेस है वो, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट्स, मूविंग चार्जेस एटसेट्रा। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका होता है, वो एरिया होता है। जैसे ये मान लो मैग्नेट है तो इसके आसपास का ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया है। इस एरिया के अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात खत्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट्स एंड मूविंग चार्जेस, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट से प्यार करने वाले, ठीक है ना। मैग्नेट से प्यार करने वाले जो लोग हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, बहुत सारे हैं, निकल है, कोबाल्ट है, बहुत सारे हैं। आगे जाकर के सीनियर क्लासेस के अंदर पढ़ना है इसको, बारहवीं में आएगा डिटेल के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना। आज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब आपने देखा भाई लाइनें बन रही हैं, बार मैग्नेट के आसपास भी लाइनें बन रही हैं, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास भी लाइनें बन रही हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। वाकई इमेजिनरी है क्या? सोचना, आंखों से दिखती नहीं है, बस बात ही है ना, आंखों से दिखती नहीं है, ऑब्जर्व की जाती है दूसरी चीजों पर। जहां जहां उसकी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वहां वहां उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं बस हम। इसलिए यहां पर इमेजिनरी शब्द लिखा हुआ, यह इतना स्ट्रांग शब्द नहीं है, दिल पे मत लेना इस शब्द को कि इमेजिनरी कैसे हो सकता है सर, इमेजिनेशन थोड़ी है। Used to represent magnetic fields around the magnetic substance, ठीक है ना। तो हिंदी में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, बस उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा एक बल्ब है, उस बल्ब में से रोशनी निकल रही है, तो आप उसको कैसे दिखाते हो? रे डायग्राम से। लाइट चैप्टर पढ़ा हुआ आप सबने, है ना, टेंथ में आए हो, यहां तक आए हो तो लाइट चैप्टर तो देख के ही आए होगे। चाहे उसको नहीं पढ़ा, सीरियसली नहीं पढ़ा, या पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, वो बात की बात है, वो पढ़ेंगे हम लोग भी लाइट चैप्टर को, लेकिन उस एनालॉजी से आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक बल्ब के आसपास से रोशनी ऐसे निकाली जाती है, ऐसे ऐसे दिखाई जाती है, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, सब तरफ से बाहर निकलना, जैसे ट्यूबलाइट में से सब तरफ से रोशनी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड आना, रेडियस वाइज आउटवर्ड आना, उसको रेडियली आउटवर्ड बोल दिया जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लिया जाता है। ये एक हथियार है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं ऑन पेपर, ठीक है ना, ऑन बोर्ड। बस दे हेल्प डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काम और भी करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काम और भी करती है। कौन सा एक काम और करती है? वो दिशा बताती है कि किस दिशा में फोर्स लग रही है। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उसी दिशा में फोर्स भी लग जाती है। ये बात है, ये बात लिखी है, ठीक है ना, कि जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसी दिशा में फोर्स आपको मिल जाएगी। एक लाइव सा स्टिल इमेज है ये भी, ठीक है ना। आप देख सकते हो किस तरीके से आयरन फाइलिंग्स जो है वो पोल के साथ चिपके हुए हैं, दोनों तरफ पोल के साथ चिपके हुए हैं, फिर इस तरीके से ये कुछ
ऐसा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रहा है, ये दूर जा रहे हैं पास आ रहे, एक लूप के फॉर्म दिख रहा है आपको यहां पर, ठीक है ना। तो बस उसको दिखाने का तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये टॉपिक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का। आपको नंबर दिलवाएगा ये बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, ये आपको नंबर दिलवाएगा। यहां तक लाने के लिए वो सारी बातें करनी पड़ती हैं, जो अभी तक मैंने बातें करी ना वो सारी बातें करनी पड़ती है इधर तक लाने के लिए आपको, ठीक है। अब प्रॉपर्टी समझो क्या क्या है, चार प्रॉपर्टियां और बतेरी है, किसी स्कूल किसी बुक के अंदर पांच भी मिलती हैं, कहीं तीन भी मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई, एनसीईआरटी से बाहर अपने को जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, कन्वेंशन का मतलब होता है मान्यताएं, हम जो मानते आ रहे हैं। दैट द फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, चेक करो जरा, चेक करो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये तो आपको एक इमेज दिख रही है, वैसे भी आप सोचो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, नॉर्थ से लाइन निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में, देखो ध्यान से देखो, दूर वाली को देखो, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में घुस गई, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में घुस गई, ऐसे निकल के आएगी ऐसे घुस जाएगी इसमें आकर के, ये सिस्टम है। तो बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होता है, मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है। डायग्राम से दिखाता हूं आपको ये चीज, देखो जी भाई, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, उसके जैसे ही बना रहा हूं, ये नॉर्थ है साउथ है, आपको बताया गया ना भाई नॉर्थ से फील्ड निकलती है। तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल मर्ज एट साउथ पोल, बाहर निकली नॉर्थ से और साउथ में घुस गई, लेकिन लूप कंप्लीट करने के लिए उसको अंदर भी होना पड़ता है। अगर मैं मैग्नेट को तोड़ दूं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो क्या उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी क्या? ऑब्वियसली रहेगी, आपने ये चीज ऑब्जर्व भी करी होगी, मैग्नेट को बीच में तोड़ देना, मान लो नीचे गिर गया मैग्नेट, आपसे खेलते खेलते नीचे गिर गया, वो तब भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बना रहता है, उसके टुकड़ों में भी मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए अंदर भी मैग्नेटिक लाइन होती है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ऐसे अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, आई बात समझ में, इनसाइड द मैग्नेट। अब आधी लाइन तो समझ में आ गई, आधी और समझ लो, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, तभी तो क्लोज कर्व बनेगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लो, फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स। आपने देखा है ये वायर है तो इसके आसपास ऐसी फील्ड बनती दिखी थी आपको अभी एक इमेज के अंदर जो पीछे मैंने दिखाया था, है ना, आसपास गोल गोल इमेज बन रही थी, ऐसे ही बार मैग्नेट है, ये देखो लूप के फॉर्म में ही है, ये सब लूप्स के फॉर्म में बन रही है, ये लूप्स के फॉर्म में बन रही है, तो फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, ये बंद कर्व्स होते हैं, ठीक है ना, क्लोज लूप्स होते हैं। तीसरा, फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स, पोल के नजदीक भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, चेक कर लो साउथ पोल देख लो नॉर्थ पोल देख लो, पोल के नजदीक जो होती भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। ये दिखाता पता क्या है, ये दिखाता ये है कि पोल में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी का मैग्नेट, पोल में स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा, ये स्ट्रेंथ को दिखाने का सिंबल है। अगर ज्यादा फील्ड लाइन है ना तो इसका मतलब पोल जो है वो स्ट्रेंथन्ड है, तगड़ा है वो पोल, ठीक है ना। तो इसलिए फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर पोल्स विच शोज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल कितना तगड़ा है ये इस बात से रिप्रेजेंट होता है कि उसके पास फील्ड लाइन कितनी ज्यादा है, ठीक है, कितनी क्राउडेड लाइंस है उसके पास। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी टाइम। आप चेक कर लो, कन्वर्ज डाइवर्स तो हो सकती है लेकिन कहीं भी काटेगी नहीं, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा इस तरीके का दो फील्ड लाइंस के बीच में, ठीक है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी आगे बात करेंगे इस बारे में कैसे पॉसिबल नहीं है, ये पूछा भी जाता है एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई के अंदर, बोर्ड के अंदर पूछा भी जाता है कि कैसे फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। लो जी क्वेश्चन आ गया, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
कोई बात नहीं, समझ गए ना मेरी बात को। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये पूछ रहा है, क्यों नहीं करती ये पूछ रहा है। देखो जी, आप ऐसा मान लो करती हैं, इसका आंसर देने का तरीका यही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सॉल्विंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आपने वो भी पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, रूट थ्री इरेशनल कैसे है। तो आप पहले क्या बताते हो, रूट थ्री तो रैशनल है, फिर कुछ 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 करते हो, फिर बाद में बताते हो भाई ये तो हम तो गलत सोच रहे थे, ये तो इरेशनल है ना। तो ऐसे इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये चीज प्रूव होती है कि किस तरीके से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो कि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इमेजिन करो कि इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट पर क्या दो लाइंस नहीं रहेंगी डायरेक्शन की? ये वाली लाइन भी रहेगी फोर्स की डायरेक्शन की, और ये वाली लाइन भी रहेगी फोर्स की डायरेक्शन की, इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर। सोच के देखना इस बात को, इसी एक पॉइंट पर एक फोर्स की डायरेक्शन ये और एक फोर्स की डायरेक्शन ये। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी होता है? आपने अभी एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हम कंपास को ऐसे ऐसे रख के चल रहे थे, क्या आपने कभी ऐसा कोई पॉइंट देखा जिसमें मैग्नेटिक कंपास ऐसे 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 हिलने लग गई हो? तो ऐसा एक भी बार ऑब्जर्व नहीं हुआ, ऐसा एक भी बार ऑब्जर्व नहीं हुआ कि भाई आपने किसी जगह पर मैग्नेटिक कंपास रखी हो और वो दो डायरेक्शन दिखा दे। अरे एक सुई दो डायरेक्शन कैसे दिखा देगी एक ही बार में? एक सुई एक बार में दो दिशाएं कैसे दिखाएगी? इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। बात खत्म। दोबारा से सुनो। मान लो कि इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड, ठीक है। इट मस्ट शो टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विच इज इम्पॉसिबल। दो दिशाएं एक बार में मैग्नेटिक कंपास कैसे दिखा देगी? बल्कि उसको दिखानी पड़ेगी। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो दिशाएं हैं, एक दिशा इस तरफ ले जा रही होगी उस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, एक इस तरफ ले जा रही होगी, तो कहां जाएगा ऑब्जेक्ट बेचारा? कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो जाए। जब उसको हिला हिला के देखा गया तो ऐसा एक भी मौका नहीं आया कि मैग्नेटिक कंपास कंफ्यूज हो रही हो कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, या कहीं बीच में अड़ जाए वो, ऐसा भी नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर पाथ पर वो चलती गई है ना, एक फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी पर वो चलती गई है। तो ऐसा यहां पर भी हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए ये बोल देते हैं कि भाई ये जो आपकी हाइपोथेसिस थी ना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन, जो झूठा झूठा आपने माना हुआ था, जो झूठी मान्यताएं आपकी थी वो गलत है, वो झूठी ही है। जो मान्यताएं आप मान रहे हो वो झूठी हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? तीसरी बार सुनो, क्योंकि मैं बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है बोर्ड में, ठीक है ना। और बच्चा इसका आंसर देने में कतराता है, कंफ्यूज हो जाता है क्या आंसर दूं इसका मैं। तो फिर से एक और बार सुनो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर उसका हाल सोचो क्या हो रहा होगा। उसका हाल ऐसा हो रहा होगा कि उसको एक दिशा इधर भी मिल रही होगी, एक दिशा इधर मिल रही होगी। तो ऐसा एक साथ होना पॉसिबल है क्या कि एक ही पॉइंट से दो दिशाएं निकल रही हो, यानी एक मैग्नेटिक कंपास दो दिशाओं में अपनी सुई हिला रहा हो, दिखा रहा हो? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसे दिखाएगा क्या करेगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए कह देते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, दो तीन लाइन के अंदर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टॉपिक जहां खत्म है ना, वहीं पर ये वाला टॉपिक दिया हुआ, उसको रीड करना। वो चार लाइनें जरूर रीड करना वो, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खाली समझ के बैठ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लिखना भी आना चाहिए आपको। आपको लिखने की प्रैक्टिस बांधनी है अब, ठीक है। बोर्ड नजदीक आ रहा है ना, तो इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है बेटा, ओके। तो एनसीईआरटी रीड करनी मत छोड़ना, करते रहना उसको रीड, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ऐप के अंदर नोट्स डालेंगे, ठीक है, और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स टाइप, रिवीजन नोट्स टाइप की चीजें हम जरूर डालेंगे, और स्लाइड से रिलेटेड ही होंगी वो चीजें। वैसे भी स्लाइड जो है वो पूरी की पूरी डलती ही है, ठीक है।
ठीक है, नोट्स के फॉर्म में वो ऐप पर डलती है, तो आगे भी डलेगी और एक्स्ट्रा नोट्स भी कुछ जरूर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी जाएंगे, इसके भी जाएंगे, ऐसी लाइट और उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ह्यूमन आई पूरा कट ही चुका है, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड बचा है, पढ़ेंगे उसको भी। पार मैग्नेट की बात कर लो, कहा था मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बताना तो पड़ता है भाई, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट आपने बचपन से देखा हुआ छठी क्लास से, एक पोल होता है नॉर्थ एक पोल होता है साउथ, देखो इट हैज टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, शक्ल देख लो जरा, शक्ल देख लो, पोल नॉर्थ भी है पोल साउथ भी है, ठीक। इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील पार्टिकल्स, वो ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यह अट्रैक्ट करता है ना, फेरोमैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से प्यार करने वाली जितनी भी चीजें उनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जानते हो बचपन से आप ये बात, है ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी आ गया समझ में। चौथा पॉइंट, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, अगर उसको ऐसे लटका दिया जाए, मान लो धागा लेकर के मैंने बार मैग्नेट ऐसे लटका दिया, तो ये ना ये डोलेगा थोड़ी देर, ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और घूमता ना फिर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलाइन हो जाएगा, अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से ये अलाइन हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिज्म से ये अफेक्ट होगा। आप ये करके देखना, आप ना मैग्नेट, बार मैग्नेट लेना, ठीक है, उसको लटका देना धागे से, ठीक है, और उसके बाद उसको ना हिला के छोड़ देना, थोड़ी देर तक वो ऐसे ऐसे घूमेगा, हल्का हल्का ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, वो इस तरीके की ऑसिलेशन आएगी उसके अंदर, ठीक है ना, उसके बाद वो उसके बाद आकर के वो एक जगह पर सेट हो जाएगा, और हर बार उस जगह पर आकर के सेट होगा, उसी नॉर्थ साउथ की दिशा में आकर के सेट होगा वो। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेटर मैग्नेट विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ। अब आप ये मत समझना कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा वार मैग्नेट है, अर्थ के कोर में जो मोल्टन मटेरियल है, जो मोल्टन आयन्स हैं, जो मोल्टन चार्जेस हैं, वो इस तरीके से फ्लो करते हैं, कि एक मैग्नेटिज्म को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। मोर डिटेल्स इन क्लास 12th, अभी जितनी जरूरत है मैं उतना ही लेकर के आया हूं, उतना ही बता रहा हूं आपको, कि आप जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दोगे, फ्रीली सस्पेंडेड उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो अपने आप डोलता एक ऐसे डायरेक्शन को अलाइन हो जाएगा, जो डायरेक्शन आपको नॉर्थ पोल की तरफ लेके जा रही होगी, दूसरी डायरेक्शन आपको साउथ पोल लेकर के जा रही होगी। तो नेविगेटर्स आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले पोर्चुगीज शिप्स, है ना, वो नेविगेटर जो होते थे दुनिया भर के, वो इसको कंपास को यूज किया करते थे। बियर ग्रिल्स को देखा होगा आपने, वो भी ऐसी सब चीजें लेकर के चलता है अपने साथ, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है ना, यहां मैन ही वाइल्ड है। आगे देखो, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स, दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म अंटिल हैमर्ड। थोड़ी गहरी बात है कि जब तक आप मैग्नेट को हथौड़े से नहीं मारोगे, टक 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 टक, या उसको पटक के नहीं मार दोगे मैग्नेट को नीचे जमीन पे, तब तक वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता। तो ये परमानेंट मैग्नेट वाली जाति है, ये परमानेंट मैग्नेट वाली प्रजाति है, ठीक है ना, ये वो स्पीशीज है जो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करती, ठीक है ना। और जब तक इसको पटका ना जाए, ठोका ना जाए हैमर से ठोक के, क्या होता है, हैमर से ठोक के जो इसके इंटरनल डायपोल्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, इस वजह से इसका मैग्नेटिज्म बिगड़ जाता है। वो बाकी सारी बातें 12th क्लास के अंदर आपको पता चली जाएंगी, जब आप मैग्नेटिक डायपोल पढ़ोगे तो डिटेल में, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। ये चैलेंजर प्रॉब्लम्स है जो आपको सोचनी है, गूगल नहीं करना, सोचना, ठीक है। पूछता है एट विच पार्ट ऑफ अ मैग्नेट इज इट्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, आप सोचो कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कहां होती है पूरे बार मैग्नेट के अंदर, ए बी सी डी पोल पर, सेंटर पोल के बीच में, या कहीं भी नहीं, नोटा, ठीक है, नोटा दबा के हाथ में लोटा ही आता है बेटा, नोटा नहीं दबाना, सोच समझ के नोटा दबाना, ठीक है। दूसरा, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर, कह रहा है एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो कैसी होती है, क्या वो कर्व्ड होती है, क्या वो रेडियली आउटवर्ड होती है, क्या वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, क्या वो पैरेलल या स्ट्रेट लाइन होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं चारों का क्या मतलब है, हर बच्चे को नहीं पता होते सारे मैथमेटिकल वर्ड्स हैं। कर्व्ड लाइन का मतलब ऐसा, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल में सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। रेडियल आउटवर्ड का मतलब होता है भाई ये कि मान ले कोई ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब है, उसमें से लाइट ऐसे निकल रही है,
ठीक है ना, और ऐसे भी, मतलब सब दिशाओं में ऐसे 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 एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, 3D समझना है इसको, 3D समझना है ना, जैसे ट्यूबलाइट में से ट्यूब की जो रोशनी होती है सब दिशाओं में ऐसे निकलती है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस इस तरीके से निकल रही है ना, पैरेलल एंड स्ट्रेट ऐसी लाइनें होती हैं। तो चारों में से कौन सा सही है? ठीक है ना, बहुत आसान है यार, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगले एपिसोड में हम लोग, यानी अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल का राइट एंड थंब रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने के लिए। आपको लेक्चर आपको 2 से 4 नंबर दिलवा देगा पहला वाला लेक्चर, ये वाला और नंबर दिलवा देगा मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल। ठीक है, सीधे हाथ का जो रूल है मैक्सवेल का वो पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सोलेनोइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की तो फिगर इंपॉर्टेंट है, समझना भी इंपॉर्टेंट है वो तो उसको, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, चैलेंजर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।